ओम शांति। 27/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर रथी है, मालिक है शरीर की। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। भ्रकुटी के बीच में विराजमान आत्मा है ना, जैसे ही अविनाशी आत्मा कहा, जिसका कोई काल नहीं, इसीलिए उसे कहा काल तख्त पर विराजमान, क्योंकि उसका कोई काल नहीं। आत्मा मरती जलती कटती उड़ती नहीं है ना, अविनाशी है, बाप समान आत्मा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, इसे रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा, क्योंकि देह तो यहीं रह जानी है, आत्मा को ही निकलना होता है, तब फिर देह छूट जाती है, तो देहांत कहते हैं, है ना। आत्मा छूटी तो देह कांत हो जाता है। अच्छा, आज के मुरली का प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप इस रथ पर रथी होकर, ब्रह्मा रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। बाबा चरित्र का चित्रण करता है, शरीर रूपी चित्र का चित्रण बाबा नहीं करता है। अच्छा, तो शरीर को नहीं देखते हैं मनुष्य, ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात ही करते। ये फर्क है परमात्मा के बात करने में और हम मनुष्यों के बात करने में। मनुष्य आत्मा ना ही समझते और ना ही आत्मा से बात करते। बाबा क्या करते हैं? बाबा ब्रह्मा तन में जरूर रथ लेकर के उनका आधार लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म पंछियों से, आत्म रूपी बच्चों से बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते हैं। तो यह फर्क समझना है और यही फर्क को हमें समझ करके धारणा में लाना है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है, हर एक बात सहज है, सहज राजाई प्राप्त करनी है। बाबा ने ओम शांति का अर्थ समझाया, अहम आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहती है कि मैं शांत हूँ, शांति के सागर की परमात्मा की संतान हूँ, है ना, उस नाते हम शांत हैं, तो अहम आत्मा शांत हूँ। इस तरह बाप कहते हैं, हर एक बात को सहज समझाई है, सहज राजाई प्राप्त करनी है, कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है, वहाँ जीवन होते हुए भी मुक्त रहते हैं ना, यहाँ तो देखिए बंधन है। तो वहाँ रावण के यह भूत होते नहीं, पांच विकार रूपी भूत। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में यह क्रोध का भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। योग अक्षर भी बाबा ने कहा है रॉन्ग है, असल में योग माना याद, और याद किसकी? ईश्वर की। क्यों याद करना है? क्योंकि उससे ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। जब से हमने उनसे नाता जोड़ा तब से हमें यह नॉलेज मिला, और नाता जोड़वाने वाले भी स्वयं परमपिता परमात्मा है। और जिस दिन से हमारी विस्मृति हुई, अर्थात जिस दिन से योग टूटा, उस दिन से हमारा जो है पतन के ओर बढ़ते चले गए। तो अब परमात्मा आया है योग का अर्थ समझाने कि किससे योग लगाना है, राजयोग किससे कहते हैं, है ना, और इससे क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है। तो ईश्वर हमारा बाप है, और बाप की याद में रह करके ही हमें संस्कार मिलेंगे, और संस्कारों को धारण करेंगे तभी हमें विश्व पर राजाई मिलेगी। जो हमारे निज गुण हैं उन्हें हमें वापस अपने में धारण करना होगा, तब हम फिर देवकुल में
आएंगे, अभी तो हम आसुरी कुल में हैं। यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। बाप तो बहुत सहज रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा कहती है कि मेरा शरीर है ना, तो हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है ना। तो कितने जन्म होते हैं, बाबा कहते 84 जन्म आदि से जो ड्रामा में आते हैं उनके 84 जन्म हैं, फिर किसी किसी के एक दो भी हैं बाबा कहते। तो यह घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है, यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुख धाम है, कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया। किन्हों की आत्मा ने? ब्रह्मा, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया है ना। तो सबसे आदि देव ही आदि में आते हैं ड्रामा के लिए। तो पापा कहते हैं इनके फिर 84 जन्म है। तो इन्होंने फिर क्या किया है, आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये वर्ण जो है परमात्मा का, हमें इनके द्वारा पहचान मिलती है। तो वे इस वर्ण को परमात्मा ने चुना है, इस रथ को, इस आत्मा को, है ना। यही फिर कृष्ण की आत्मा है, यही फिर लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते। तो विश्व पर राजा ही इनको ही मिलती, क्योंकि ये सबसे जास्ती भक्ति, जब सबसे जास्ती पुरुषार्थ और सबसे जास्ती बाबा का देखिए बच्चा है ना, बनना पुरुषार्थी बच्चा। तो यह मुख वंशावली है, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह कह ना सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते हैं यह भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य हैं, वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा, यह नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। यहाँ कोई पुण्य आत्मा नहीं, तो कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। अब बलि चढ़ना माना कोई शरीर नहीं दे देना, कोई जानवरों की पशु पक्षियों की बलि नहीं परमात्मा मांगते। बलि चढ़ना माना जीते जी मैं पन से बाहर आ जाना, तेरा 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 मन बुद्धि से पूरी शिद्दत से परमात्मा को जीते जी अपना सब कुछ समर्पित करना, वही बलि चढ़ना है कि मोह ना रहे किसी में। यह बात बाप समझाते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। देखिए आप स्थूल में यदि किसी से घर में पूजन पाठ शांति पाठ किसी भी तरह के पूजा पाठ करवाते हैं तो देखिए आपको स्थूल धन खर्च करना होता है। उसके बावजूद भी क्यों श्योरिटी नहीं है कि आपके घर में जो परेशानी है, जो अशांति है, जो भी आपके घर में बला है वो टल जाएगी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल 100% कोई श्योरिटी नहीं है। और धन का धन भी जाता है, तन भी जाता है, मन भी जाता है, मेहनत भी जाती है। और यहाँ परमात्मा कुछ भी लेकर के नहीं जाते हैं, ना तो वो पोटली बना करके ले जाते आपके हाथ से मांग के ले जाते, और ना ही कोई खान पान का कोई आओ भगत, ना उनका कोई स्वागत सत्कार करना, और ना ही वो मनसा वाचा कर्मणा आपको तकलीफ देते हैं और ना स्थूल धन देते हैं। सिर्फ कहते हैं कि बच्चे अपना तन मन धन सिद्दत से मेरे
समर्पण कर दो। समर्पण माना सिर्फ मन और बुद्धि से। मैं अभोक्ता हूँ, मुझे ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तन चाहिए, ना मन चाहिए। ये तुम्हारे ही स्वकल्याण के लिए है, बाकी उसी में से तुम अपना शरीर निर्वाहार्थ करते भी रहो। बाबा कहते हैं आप यहाँ तो कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया, अभी यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित हैं, आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है गोल्डन सिल्वर है ना, कॉपर और आयरन, ये तीन चार एज होती है ना, तो इस तरह इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है। यह भी ड्रामा है, आना जरूर है, गाते भी हैं तुम माता पिता लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर यह महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा और एक बच्ची होती है, एक बच्चा एक बच्ची वहाँ योग बल से होते हैं। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है, सबको सुख घने रहे हैं। अब तो 84वें में अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। बाप कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, जो हम आपकी आत्मा है ना, सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी, तो किसी तरह का दुख ही नहीं था, शांति ही शांति थी है ना, सुख ही सुख था, सुख घनेरे थे। अब जब यह रथ जो बैठी आत्मा है वो तमो प्रधान बन गई, तमो गुणी बन गई, एकदम अपने संस्कारों को भूल गई, तो अब ये जो निर्विकारी आत्मा थी तो सुखी थी, अब विकारी बन गई तो दुखी हो गई। तो इस तरह से जब हम 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला बची, कला ही नहीं है। तो कहते भी है मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है। पतित है तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, नहीं तो गंगा तट पर इतनी भीड़ क्यों होती, सतयुग में नहीं जाते, नदी तो वहाँ है, है ना। ऐसा तो नहीं कि नदियाँ वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ तो नहाने स्नान करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी पतित तो होता नहीं, कोई भी पापी होता नहीं है, तो पाप धोने के लिए नदी नाले कहीं जाते नहीं। अच्छा, तो बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सतो प्रधान है, सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंध जाता है, वहाँ का तो पानी ही इतना मिठास वाला होता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई निमोनिया, कोई कहना चाहिए शक्कर आदि की, या इतना कीटाणु नहीं होते हैं जिसमें आपको पीने से पहले हजार बार ये सोचना पड़े कि मुझे जॉइंडिस ना हो जाए, पीलिया ना हो जाए, फ्लू ना हो जाए। पानी को कितना सोच समझ कर पीते हैं, क्योंकि यहाँ सब तमो प्रधान है, सब दुख देने वाला है, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये पांच तत्व भी दुखी हो गए, कहते ग्रहण लग गया ना, अब इस संसार को ही ग्रहण लगा है, अब ये विकार छोड़े तो फिर ग्रहण छूटे, तो यही दान देना होता है। बाबा के हैं वहाँ किचड़ा आदि कुछ नदियों में सागर में होता नहीं, सागर में सारा गंदा भी जाता है, सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं है, किसको अपवित्र बनाना, सब चीजें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं कि अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला, परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो यह गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं वह सब बने हैं द्वापर से, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, राजयोग तो कोई सिखला ना सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहना लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर, बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं,
घोड़े गाड़ी की बात नहीं, कोई भी भगवान हो चाहे इंसान हो, 2400 घंटे बैल की सवारी कोई कर नहीं सकता। फिर तो ईश्वर को आपने हम आपने अपने अपनी मत के द्वारा कह दिया कि वो बैल पर सवार होते हैं ना, कैलाशपुरी में बैठते हैं। कैलाशपुरी में शरीर के साथ में कोई भी रह कैसे सकता, नीचे नहीं गिर जाएगा, बादलों में कैसे कोई रह सकता, वो तो निराकार परमात्मा है जो अशरीरी है, जो परे ते परे परम धाम में निवास करते हैं। वो आते हैं, अवतरण लेते हैं, इस बूढ़े रथ का सवार होते हैं, बूढ़े रथ का है ना, तो इसमें सवार होकर के प्रवेश करते हैं। वह रथ ही गाया भी जाता है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। यह ब्रह्मा भी अडॉप्ट किया हुआ है, ये तो खुद शिव का बच्चा है ना, तो बाबा कहते हैं ये तो अडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ, अर्थात मैं आत्मा इस रथ में रथी बन बैठती हूँ। अच्छा, तो इनको ज्ञान देता हूँ है ना। फिर कृष्ण दिखा दिया, अर्जुन दिखा दिया, तो शुरू इनसे करता हूँ। कलश देता हूँ माताओं को, माता तो यह भी ठहरी, यह बड़ी माँ ब्रह्मा है ना, तो बाबा इनके द्वारा फिर हम सब बच्चों को अडॉप्ट करते, तो ये माता तो यह भी ठहरी। अब इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है, ये तो मुख वंशावली है ना। अभी कोई लौकिक जीवन में भी यदि किसी की माँ बच्चे को छोड़ चली जाती है, तो एक सिंगल पिता मदर फादर सबका फोर्स बना करता है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं माता तो यह भी ठहरी, पहले पहले यह सुनते हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान है हाँ, बाबा कहते हैं। परंतु सामने किसको सुनावे, फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता हूँ। नर्कवासी नर्क रचेंगे, मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ का, तो मैं कैसे नर्क रचूं, स्वर्ग का मैं रचना करता हूँ, यह तो माया नर्क बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी बने हो, मृत्यु लोक है ये, नर्कवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है, और रावण पांच विकारों को कहते हैं, कोई राक्षसी शरीर वाले दशीस वाले को रावण नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ, जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी ऊपर से सब आ जाएंगी, तब ज्ञान तब जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। अब मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ऊपर जब जाएंगी, जब पूरे इस संसार में उस संसार के सब आत्माएं ड्रामा के लिए इस साकार लोक में आ जाएंगी, इस थर्ड फ्लोर पर आ जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है ना, तो ये थर्ड फ्लोर पे जहाँ हम आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं इस संसार में, उस निराकारी संसार की उस निराकारी दुनिया की सब जब शरीर ले लेंगी, तब फिर वापस जाना शुरू होगा। उससे पहले कोई भी जा ना सके, तो फिर कई बार क्वेश्चन उठता है कि फिर जब शरीर छूटता है तो कहाँ जाती है। बिल्कुल प्रश्न भी बहुत करेक्ट है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस संसार में जो आत्माएं आती हैं वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, और जो मनुष्य योनि है वो कोई जानवरों की योनि में जन्म नहीं लेता, मनुष्यों का मनुष्य योनि में ही जन्म होता है, और जब शरीर आत्मा छोड़ती है तो तुरंत ही दूसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश कर लेती है, दूसरा शरीर आत्मा पहन लेती है, दूसरा रथ आत्मा ले लेती है। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है कुछ एक आत्माओं को जो है शरीर एकदम तुरंत नहीं मिलता है, तो वो कुछ एक समय तक आत्माएं भटकती रहती हैं, फिर जब उनका शरीर मुकर्रर हो जाता है तब फिर उनको शरीर मिल जाता है, तो फिर वह शरीर ले लेती हैं। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा जो है सीधा चली जाएगी, है ना, उसे जाने का अलाउड ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकती जब तक वह संसार पूरा खाली हो करके यहाँ आ करके
जब तक अपने कर्म जो भी हैं वो भोग ना ले, है ना। और फिर यहाँ पर आकर के जो कहते हैं कि जानवरों की योनि में जाएंगे, पाप करेंगे, तो पापा कहते हैं पाप बीमारी मुश्किलों परेशानियों रिश्तों से ऐसे सब निकल जाता है ना। पाप भी कर्म कट जाते हैं, योग से नहीं कटते तो फिर ऐसे सब निकलते हैं, पर पाप भी कर्म सब यहाँ ही आपको भोगने हैं, है ना। तो इस तरह बुद्धि से समझना है बाबा की बातों को। तो बाबा कहते हैं जब वो खाली हो जाए परमधाम तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर वही तो वापस आना है। तो कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहेंगे हम पापी नीच। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है, राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे, जब ब्रह्मा की रात पूरी हो, तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से पैदा हो। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र हैं उन्हें तुम याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। कहते हैं ना मन में बसी है राम की मूरत, राम की सूरत, राम का जो चित्र। तो यहाँ में आया मन के द्वार। अब मन के द्वार ऐसा तो नहीं कि आपके मेन डोर पर आकर के परमात्मा डोर खटखटाएंगे, नहीं। मन का द्वार अर्थात जो हमें परमात्मा ने ये तीसरी आई दी है, थर्ड आई दी है, ये दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु। इस ज्ञान चक्षु मन बुद्धि संस्कार ये समझ के तीसरे नेत्र से उस परमात्मा के चित्र को देखना है। उसका कोई चित्र नहीं है, वो अदृश्य है। ठीक वैसे ही जैसे ही हम आत्माओं का चित्र नहीं है लेकिन आत्मा है, ये सत्य है, यथार्थ है, ऐसे ही ईश्वर है, यथार्थ है और वो अदृश्य है। वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म दिखाई नहीं देता है लेकिन वो हर पल हर क्षण हर जगह जब संगम होता तब आता है। ऐसे नहीं कि वो पूरे चारों युगों में रहता है, नहीं, वो आता ही संगम पर है, वो मन बुद्धि से देखा जा सकता है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो लक्ष्य दिया है, मनुष्य तो चित्र आदि देखते हैं, बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ और तुम जैसा ही हूँ तो तुम्हें तो सिर्फ याद करना है। बाबा कहते हैं यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है, पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, नहीं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ, इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सब तुम प्रधान पत्थर बुद्धि, संगम युग में तुम पत्थर बुद्धि नहीं थे, संगम युग पर आकर के बाबा कहते हैं अभी सभी है ना तमो प्रधान, कोई भी सतो प्रधान तो हो ना सके, सभी पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि पांच विकारों की गिरफ्त में सभी हैं, रावण की गिरफ्त में। बाबा कहते संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो और पारसनाथ में आकर के तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है,
इवन बाबा कहते हैं निराकार शिव जो सोल बाबा का है वो तो सिर्फ और सिर्फ तुमको याद के लिए रखना है। ये देखिए जिसको मुश्किल होती है, जिसको इस तरह से बार बार बाबा की स्मृति विस्मृति में हो जाती है, तो चित्रों को सजाने से क्या होता है कि हम बार बार उस तरफ बुद्धि चली जाती है, और तो कोई कारण नहीं है चित्रों का। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनका भी ध्यान नहीं करना है ना, किसका, चित्रों का। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा प्रकृति के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, कम माइंड नहीं होता हूँ। कम माइंड मनमोहनी दादी के आते थे, रथ लेते थे, तब कम माइंड बाप दादा होते थे, इसीलिए उनका साउंड बदल जाता था। ब्रह्मा तन का आधार लेते समय बाबा जब ज्ञान देते थे तो बगल में आकर बैठते थे, कम माइंड नहीं होते थे, इसीलिए ब्रह्मा बाबा की जो भाषा जो बोली थी वो बदली नहीं होती थी, सेम रहती थी। हाँ, बीच बीच में कभी बाबा बोलते थे, कभी ब्रह्मा बाबा बोल देते थे, है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन बात कर रहा है। तो इसीलिए इनके बाजू में आकर बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था, जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। प्रेरणा से तो कोई बात हो ना सके, ऊपर से यदि मैं परमात्मा बिजली ऐसे गड़गड़ गड़गड़ चमकूं तो उससे तुमको कैसे पता चलेगा बच्चों को कि मैं कैसे दुखी हुआ, कैसे सुख में जाऊं, कैसे स्वर्ग की रचना होती है, कैसे रचता बाप आकर ब्रह्मा के द्वारा रचना रची। तो यह सब प्रेरणा से ना होए ना, डॉक्टर को देख करके कोई सर्जरी तो नहीं सीख जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बने। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे, अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो, बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं, है ना, मरे हुए को भी अपने तन से लगाकर चलता। तो मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाल मृत्यु होती नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहाँ कोई शैतान होता नहीं। बाप, इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी संभालो, भल संभालो, उनमें रहते हुए कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। यह सत्तो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं, कहते हैं यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। बाप तो हमें रास्ता दिखाते हैं ताकि आगे चल बच्चे दुखी ना हो, और तो बाबा कुछ नहीं कहते, सभी को वापस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ, 5 विकार मुझे दे दो, अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी, जो मेहनत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 63 जन्म तो विष में गोते खाए एक दम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट, जहाँ है वहीं दुख है, और जहाँ कर्म प्रधान कर्म श्रेष्ठ है वहाँ सुख है। बाबा कहते हैं हिंदू धर्म कहते रहते हो, बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो, भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, अब नहीं है, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया, क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है, क्या पूरा विश्व उसे भगवान मानता है, हा? तो बाप तो है निराकार सभी आत्माओं का बाप, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी, शिव शंकर को भी मिला देते हो, शिव तो है परमात्मा, ऐसा कह देते, तो शिव तो परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो अभी स्थापन करते हैं फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पापात्माएं हैं,
वहाँ यह काम कटारी चलाकर एक दो को घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब हैं डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, वहाँ यह हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। उसने सबसे जास्ती भक्ति की तो बाबा ने खुश हुए और उस नंदीगण को अपना रथ बनाया है ना, भागीरथ को। कोई गंगा नदी को नीचे बुलाने वाला कोई भागीरथ नहीं, यह भगवान का रथ ब्रह्मा, जिससे फिर भागीरथ, भगवान ने रथ लिया तो भागीरथ हो गया ना। तो यह बातें समझनी है, ऐसे कैसे कोई गंगा नदी को अपने जटाओं में समा सकता है? एक गिलास पानी डालने से तो पूरा शरीर भीग जाएगा। फिर बातें बता दी कि गंगा को जटाओं में रखा शंकर ने। तो बाबा कहते हैं जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने उसका रथ लिया तो भागीरथ हो गया। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ। अर्जुन अर्थात आत्मा, शरीर को नहीं कहा, फिर वहाँ शरीर दिखा दिया। तो आत्मा सब अर्जुन है, इस रथ में आया हूँ इस और युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में ना रावण होता ना जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। फिर आखिरी यह रावण सांप्रदाय खलास हो जाएगा और रावण भी राम को कह के चले जाएंगे। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था, और धर्म थे ही नहीं, ये टुकड़े टुकड़े जमीन के थे नहीं, कहीं रात कहीं दिन होता नहीं था, सब एक साथ रात एक साथ दिन होता। तो वैसे भी जब रात होती है तब सूरज हो ना सके, और जब सूरज होता है तब चांद हो ना सके, है ना। तो अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलाधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सतो प्रधान संन्यास करना है, इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरा, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, फिर भी चित्रवा देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदान वरदाता ने दिया परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदाई मर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी बरसे के अधिकारी अनुभव करेंगे। अच्छा, आज का स्लोगन है सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न बाबा को देता है, है ना। बाबा हमसे और कोई थोड़ी मांग करते हैं, बाबा तो सिर्फ हमसे वो मांगते हैं जो हमारा है। जो बाबा कहते हैं तुम्हारे को इससे सुख शांति मिलेगी। और बाबा कहते भी हैं कि यह जो पालना अभी संगम युग पर तुम बच्चों को मिल रही है वो सतयुग में भी नहीं मिलेगी। इसीलिए बहुत ही प्यारा मीठा सा गाना बनाया है ना, कहाँ मिलेगा।
बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। बड़ा कहना चाहिए मन को वहाँ ले जाने और बाबा की याद में, बाबा की पालना में, बाबा के इतने प्यार में इतना आंसू आने वाले, बाबा के इतना अच्छा वो गीत बनाया है, तो आपने भी सुना होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह का, शुक्रिया।